today, right? Standard second, chapter number one. What is long? What is round? मतलब which things are long, round and which things is long? कौन सी चीज लंबी है, कौन सी चीज round है? Can you tell me some examples of long and round? Long क्या हो सकता है? Yes, bat, stick, water bottle, right, etc. Then after round, lemon, tomato, orange, apple. Yes, these all are round things. Today we start the chapter number one. What is long? What is round? Page number one. Put your finger, everyone. Guess its name. Guess मतलब आपको सोचना है, जिसका आपको real answer पता नहीं है, सिर्फ आपको think करना है कि मेरा ये answer सही है या नहीं. That means guess. Children love Uncle Miku. सभी children से वो Uncle Miku को बहुत love कर रहे हैं. He plays with them every day. Uncle Miku है वो children के साथ every day play कर दे. Today he has kept different things in his bag. Uncle Miku है वो अपनी bag में some different different things अपने साथ लेके आए. The game is guess its name. अब गेम का नेम क्या है? Guess its name. Guess what I have in my hand. अब क्या बोला अंकल मीकू ने कि देखो तो मेरे हाथ में, गेस करो तो कि क्या है मेरे हाथ में. I will tell you what it feels like. अब मैं आपको ये फील करके बताऊंगा कि ये चीज, ये थिंग्स क्या है. अंकल मीकू puts his hand in the bag. अब अंकल मीकू ने अपना एक हैंड अपनी बैग में डाला. टीम ए सिंग्स अ सॉन्ग. अब टीम ए ने एक गाना गाना शुरू किया. फाइंड आउट विथ योर आईज शट. वेल आपको अपनी आईज बंद कर दी है और फाइंड करना है कि वो थिंग्स क्या है. टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल. आपको अपने हैंड से उसको टच करना है और बताना कि वो क्या है. Tell us how it feels. बताओ ये things क्या है. We guess its name and win the game. अब क्या करना है कि मैं उस things का नेम guess करूंगी और फिर मैं उसका नाम बताऊंगी ताकि हम ये win हो जाए. ये game win मतलब जीत जाए. Turn the page. Next page. Put your finger here everyone. Pointed at one and flat at the other. अब क्या बोला कि जिसके एंड पे फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट है, राइट. फिर क्या बोला, but round like a pipe. वो पाइप की तरह क्या है, ऐसे राउंड. बट राउंड लाइक अ पाइप. गेस व्हाट इट इज. पॉइंटेड एंड ना, जिसके एंड पे पॉइंट है, बैक फ्लैट है, देन राउंड लाइक अ पाइप. वो पाइप की तरह कैसा है, राउंड. टीम ए सेज पेंसिल. टीम ए ने आंसर दिया. क्या आंसर दिया? यस, पेंसिल. क्या वो पेंसिल है? क्या आप लोग ये सोच सकते हो कि ये पेंसिल है? यस, दिस इज पेंसिल. व्हाई? जिसके एंड में पॉइंट है, पीछे से बिल्कुल फ्लैट है, ये पाइप की तरह राउंड भी है, तो ये क्या होगा, पेंसिल. डू यू ऑल्सो थिंक सो? क्या आपने ये सोचा था? यस, वी ऑल्सो थिंक सो. नाउ यू थिंक of a different answer for Uncle Miku's question. अब आप कोई दूसरा आंसर बता सकते हो
होता है। सोचो तो कि पेंसिल की तरह और क्या होगा जिसके पॉइंट में एंड में पॉइंट है, फ्लैट है, पाइप की तरह राउंड है, क्या हो सकता है वो? यस पेन, नीब ऑफ द पेन। राइट डाउन इन द ब्लैंक नीब, एन आई बी स्पेस ओ एफ स्पेस टी एच ई द स्पेस पेन, अदरवाइज पेन लिखोगे तो भी चलेगा। डन। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ इट इज द टर्न ऑफ टीम एक टू टच। अब टीम एक को टच की बारी आई है। डन। अब टीम ए टच करेगी और टीम बी सॉन्ग गाएगी। एंड गेस एवरीबॉडी सिंग्स। अब सभी लोग गाना गाने लगे। Tell us how it feels. We guess its name and win the game. क्या गा के बताओ बताओ वो things क्या है? और हम ये name का guess करेंगे और हम game जीत जाएंगे। A child from team A puts his hand in the bag. अब team A के कोई ने चाइल्ड ने क्या किया? उसके बैग के अंदर हाथ डाल। अदर टीम ए हैव टू गेस, कैन यू हेल्प देम? अब हमें टीम ए के अदर्स को क्या करना है? यस, कि वो थिंग्स क्या है वो उसको बताना है। राइट। राउंड और राउंड, राउंड राउंड है, हैज नो कॉर्नर्स, उसको एक भी कॉर्नर्स नहीं है। I can roll it my hand. उसको मैं ऐसे अपने हैंड में उसे रोल कर सकती हूँ। Guess what it is? क्या बता सकते हो वो things क्या होगा? Yes, lemon. फिर? Yes, tomato, orange, ball. ऐसे बहुत सारे things हैं जो अपने हैंड में आप लोग उसे रोल कर सकते हो, ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। Then write down here, it is a ball. क्या लिखना है? It is ball. Done. Now the next. Then is the turn of team B to fill and guess. Now अब team B का टर्न आया, जिसे फिल करना है और उसे गेस करना है। एंड सो द गेम गोज ऑन। अब गेम उसको आगे चलती है। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम्स, पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ पैक। अब आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ। क्या होमवर्क है? आपको ये अपने फैमिली मेंबर के साथ ये गेम्स प्ले करनी है और आपको नहीं बताना है कि बैग में आपने क्या क्या थिंग्स रखे। राइट। A cloth is tied on the one child's eyes. Tied मतलब? Yes, T-I-E-D, tied मतलब आँख में पट्टी बांधना। Right? Tied मतलब बांधना। A cloth is tied on one child's eyes. एक child की eyes पे हमें क्या करनी है? इसे पट्टी बांध देनी है। She puts her hand in the bag. फिर उसे अपना एक hand उसकी bag में डालना है। So she touch and says what it feels like. अब कोई गर्ल ने अपना एक हैंड बैग में डाला है, उसको टच करना है, फील करना है कि वो थिंग्स क्या है। Her team has to guess it name. और उसकी टीम को अब उसका आंसर बताना है। डन। Now the next topic, how strong is postcard. postcard को हम strong कैसे करेंगे? Look at the board in the first one. Hold a postcard from one corner. आपको postcard को एक corner से पकड़ना है, like this. This is the postcard जो post office में मिलता है, right? अब आपको उसको
रहा है घर पे. देन लुक एट द फर्स्ट वन, रोल अ पोस्टकार्ड टू मेक अ पाई. आपको पोस्टकार्ड को ऐसे रोल करना है लाइक दिस. डन. अब ये पाइप की तरह लग रहा है, राउंड राउंड जैसा करते हो ना, हाँ ऐसे रोल बनाना है. यू स्टेक टू स्टिक द एंड्स टुगेदर. जहां पे ये एंड होगा वहां पे आपको क्या लगानी है, सेलोटेप लगानी है. क्या लगानी है? यस, सेलोटेप. यहाँ पे एंड पे सेलोटेप लगानी है ताकि ये स्टिक हो जाए और राउंड पाइप की तरह हो जाए लाइक दिस. सेलोटेप, फेविस्टिक, आप कुछ भी लगा सकते हो राइट लाइक दिस. डन. अब लगा ली, अब ये पाइप की तरह लग रहा है राइट. पुट अ बुक ऑन इट. अब क्या कर रहा है, अब इसके ऊपर आपको बुक रखनी है. क्या रखनी है? बुक. नाउ ट्राई दिस, दिस इज अ बुक. अब आपको देखना है कि आप लोग इसे होल्ड कर सकते हो कि नहीं. सी, होल्ड हो गई बुक, यस और नो? डन. अब आपको ये एक्टिविटी घर पे ट्राई करनी. डज द पोस्टकार्ड होल्ड इट. क्या आपने देखा कि पोस्टकार्ड है ये बुक को होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस, कर सकता है. सी हाउ मेनी बुक्स कैन होल्ड. अब आपको घर पे ट्राई करना है कि ये कितनी बुक्स होल्ड कर सकता है राइट. नाउ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4. पुट योर फिंगर हियर, पुट योर फिंगर हियर. हरी अप, बिग बिग. हरी अप मतलब जल्दी जल्दी, बिग बिग. क्विक मतलब भी जल्दी जल्दी. हरी अप हरी अप हरी अप, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना. चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ सर्कल इन द क्लास. चिल्ड्रन है वो क्लास में एक सर्कल में बैठे हैं. दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग एंड सिंगिंग. वो क्लास में गेम प्ले कर रहा है क्लैपिंग एंड सिंगिंग. What is your, what is on? Look around, look around. अब वो लोग क्या गेम प्ले कर रहे हैं? कि एक सॉन्ग आ रहा है, क्या गाया? What is on, what is around? Look around, look around. Look around मतलब अपनी आसपास देखना कि कौन सी things long है और कौन सी चीज round है. तो उसमें से देखो, यहाँ पे playing कर रहे हैं children. देखो आप लोग, उसमें से एक गर्ल है रीना. रीना सेज अ बैट इज लॉन्ग, बॉल इज राउंड. उसने क्या बोला? जो बैट होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है. और जो बॉल होता है वो कैसा होता है? राउंड राउंड. लुक अराउंड, लुक अराउंड. अब अपने आसपास देखने की कौन सी थिंग्स लॉन्ग है, कौन सी राउंड. ऑल चिल्ड्रन आर सिंगिंग. What is wrong? What is wrong? Look around, look around. Meena says, a bottle is long. जो bottle होती है वो कैसी होती है? Long होती है. A cap is round, round. Bottle is long, cap is round. Cap मतलब जो bottle का ढक्कन होता है वो कैसा होता है? Round होता है ना? Yes. Look around, look around. And the game goes on. अब वो गेम आगे प्ले कर रहे हैं. Now you play this game in your class. अब आपको ये गेम अपने क्लास में प्ले करनी है. अभी क्लास में तो हम नहीं है तो क्या करेंगे? आपको ये घर पे प्ले करनी है. Take turns to name two things. आपको two things के नेम बताने. कौन कौन से? One long and one round. Egg long things and egg round things. Do not repeat things which others have named. अब आपको जो नेम है वो रिपीट करना नहीं है. जिसका नेम आ गया, जो थिंग्स का नेम आ गया है वो आपको रिपीट करना नहीं है राइट. नाउ वी कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द सेकेंड लेक्चर. आभार.